हाय एवरीवन, आज की रेसिपी में हम एक हेल्दी टेस्टी और प्रोटीन रिच स्नैक बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें लेना है करीब 2 कप बॉइल्ड चिकपीस और उसे आपको मैश करना है अच्छे से। आप इसको मैश करने के लिए मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह फॉक का यूज़ कर सकते हैं। मैशर का यूज़ करने से ये काफ़ी जल्दी मैश हो जाएंगे और इसके लिए आपको चिकपीस को बहुत अच्छे से बॉईल करना है जब तक वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं। तो हम इसको जब तक मैश करना है जब तक ये पेस्ट की तरह ना बन जाए। अब इस स्नैक के लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स भी लेने हैं, तो फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स ले लें जो भी आपको पसंद हो। मैंने वेजिटेबल्स में यहाँ पर थोड़ा सा गार्लिक भी लिया है। अब इन वेजिटेबल्स के हमें पानी को स्क्वीज़ कर लेना है ताकि हमारे पेस्ट में जाकर उसको ख़राब ना कर दे। एक स्ट्रेनर का यूज़ करके आप जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसमें छान लेंगे और फिर इन वेजिटेबल्स को हमें चिक पीस का जो मैश है, मिक्सचर है, उसके साथ मिला देंगे। इसके साथ हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची और 2 चम्मच डालना है चावल का आटा, राइस फ्लावर। और हमें इसके साथ इसमें डालना है 1 एग या फिर एग वाइट, जैसा भी आपको पसंद हो। और अगर आप वीगन हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। इसके बाद हमें सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से, और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथ में बॉल्स के शेप देना है और फिर उसको फ्लैट कर देना है ताकि ये टिक्की और या फिर डोसा के शेप में टर्न हो जाए। अब एक पैन में ऑयल से ग्रीजिंग करके हम इन टिक्कीज को उसके ऊपर रख देंगे और अब हमें इनको फ्राई करना है। अगर आप और क्रिस्पी फ्राई करना चाहते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी को इनक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तो हमें इसको फ्लिप कर देना है, तो ऐसे ही टर्न करना है और फ्लिप करते रहना है और हमें गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करना है। क्योंकि ये चिक पीस से बना है तो ये बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच स्नैक है। आप इसको एज अ डाइट मील भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हमारी टिक्कीज गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, ये अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप इसको अपने पसंद की कोई भी डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।